I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. This is module number three, and we are going to talk about the behavioral approach of leadership. Behavioral approach को discuss करने से पहले traits का जिक्र करना जरूरी है। हमने कुछ ऐसी खुशुसियात ढूंढी, जिन खुशुसियात की बुनियाद पर हमने एक लीडर को नॉन लीडर्स से डिफरेंटिएट करने की कोशिश की। But those traits were not sufficient enough.

नहीं डिक्लेयर हो सकता सो so, जब हम बिहेवियरल थ्योरीज की बात करती करते हैं तो बिहेवियरल थ्योरीज में देर इज अ अंपेरिजन बिटवीन द बिहेवियरल थ्योरीज एंड द ट्रेड थ्योरीज द बिहेवियरल थ्यूरी सेड दैट लीडरशिप बिहेवियर कैन बी टॉट जिसके बरक्स जो ट्रेड कॉन्सेप्ट था उसका कहना यह था कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड के लीडर की ये बाई बर्थ क्वालिटीज होती हैं कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लीडरशिप रोल अदा कर रहा है वो एक पर्टिकुलर शोभा है जिंदगी में अपने आप को लीडरशिप के तौर पर लीडर के तौर पर मनवा रहा है ये उसकी इन बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन बिहेवियरल थ्योरीज का कॉन्सेप्ट हमारे सामने जो डेवलप हुआ उसने हमें यह बताया कि लीडरशिप बिहेवियर कैन एक्चुअली बीन टॉट वो सिखाया जा सकता है वो बताया जा सकता है वो लोगों में डेवलप किया जा सकता है अब जब हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करते हैं तो बिहेवियरल अप्रोच में डिफरेंट स्टडीज वो लॉन्च की गई And the major contributions were coming from Ohio State Studies and the University of Michigan. And they came up with an idea. There are certain types of leaders who can be taken up as or categorized as initiating structure or production orientation, or dushi category you know, that is consideration or employee orientation. In those leaders us, in those basic aspects, they either they would be production oriented or either they would be. इम्प्लॉय ऑरियंटेड इस बुनियाद पर जो एजम्शन ली गई दैट वॉज दैट लीडर्स कैन बी ट्रेंड लीडर्स को डेवेलप किया जा सकता है उनको ट्रेन किया जा सकता है उनको बताया समझाया जा सकता है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से टैकल करना चाहिए अब हमारे सामने जो बेसिक गोल आया इन बिहेवियर डिस्कशन के अंदर दैट वॉज दैट ओके इफ द लीडर्स आर ट्रेंड इफ द लीडर्स कैन बी ट्रेन सो वी है लीडर्स So, अब हम उनको क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करें हम उन्हें कैसे डेवलप करें लेकिन इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर जिस प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ा दैट दैट वाज इफेक्टिव बिहेवियर्स डू नॉट जनरलाइज अक्रॉस डेवेलम हमने जो बिहेवियर आइडेंटिफाई किए वो बिहेवियर्स भी ऐसे नहीं थे जो हर सिचुएशन में कारामद हों जिस तरह हम ट्रेड के बारे में कहते हैं कि हर ट्रेट हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगी बिल्कुल उसी तरह हम बिहेवियर्स को ऐसा जनरलाइज नहीं कर सके कि हर सिचुएशन के अंदर हम उस बिहेवियर की मैनिफेस्टेशन अप्रोप्रिएटली इफेक्टिवनेस के साथ वो कर सकें एट द सेम टाइम देर इज अनदर कॉन्सेप्ट कमिंग इन विच इज नोन एज द मैनेजीरियल ग्रेड विच इज बिंग गिवन बाई ब्लैक एंड न्यूटन दे केम एन आइडिया के जब हमने लीडरशिप प्रस्पेक्टिव को स्टडी करना है तो देर आर टू मेन कंसर्न कंसर्न फॉर

The number one or least situation or low situation. And when we say 9 9, obviously, we are saying that concern for production is high and the concern for people is also taken up as high. Up in areas, which we visualize in different different names are given. And when we talk about those particular names, we come across certain descriptions. And those descriptions are number one, when we say 1 1.

एंड पीपल इज ऑल्सो टेकन अट मैक्सिम इसी तरह अगर हम वन नाइन को देखें तो वन नाइन का मतलब होगा कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज लीस्ट वेर एज कंसर्न फॉर पीपल इज मैक्सिम और इस कैटेगरी को इस मैनेजमेंट स्टाइल को इस लीडरशिप प्रस्पेक्टिव को हमने नाम दिया कंट्री क्लब मैनेजमेंट का जिसके बरक्स अगर हम नाइन वन को देखें तो नाइन वन के केस में दसर्न फॉर प्रोडक्शन इज मैक्सिम एंड कंसर्न फॉर पीपल इज मिनिम

लीडरशिप स्टाइल्स हमें अवेलेबल हुए उन स्टाइल्स में हम इस बात में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आया काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हमारा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हाई है कि कंसर्न फॉर पीपल वो हाई है इस सारी बात को अगर हम कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि ट्रेड्स हमें आइडेंटिफाई करती हैं कि लीडर अपीयरेंस में कैसा होगा लीडर की इमरजेंस कैसी होगी लेकिन ट्रेड्स हर सिचुएशन में हमें तमाम एक्सप्लेनेशन अबाउट द लीडरशिप वो नहीं दे सकती बिल्कुल इसी तरह बिहेवियरल थ्योरीज के अंदर भी हम हर बिहेवियर को चाहे वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो या पीपल ओरिएंटेड हो हम हर बिहेवियर को हर सिचुएशन के साथ एसोसिएट वो नहीं कर पाते बिकॉज यहां पर सिचुएशनल प्रस्पेक्टिव इन्वॉल्व नहीं है सिचुएशन के अपने चैलेंजेस वो काउंट नहीं किए जा रहे हम सिर्फ लीडर को बिहेवियर के पैमाने के ऊपर जांच रहे हैं जिससे कि हमारे पास इन मॉडल्स की एक्सप्लेनेशन में चैलेंजेस वो आ जाते हैं